नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पिछले एक बार महागाथा महाभारत का एक और किस्सा सुनाता हूँ, जिसे कहते हैं कर्म का सुल्तान। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका पर्यट आए। तभी उसकी पटरानी रुक्मिणी ने भगवान के पास आकर पूछा कि कर्ण का क्या दोष था और उसका क्या हुआ। वो तो आपके श्रेष्ठ मित्र थे और महापराक्रमी भी थे और महादानी भी थे। खरा ने उसकी माता कुंती को भी अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारने का वचन दान भी दिया था। खरा ने अपने कवच कुंडल भी भगवान इंद्र को दान में दे दिए थे। ऐसे महान दानवीर को किस पाप की सजा मिली। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महारानी, जिस वक्त साथ साथ महारथियों के साथ अकेले सफलता पूर्वक और निहत्थे महावीर अभिमन्यु लड़ते हुए नीचे गिर गए थे और वे मृत्यु के समीप थे, तभी वहां पर खड़े कर्ण को उसने पानी पिलाने को कहा और उसको श्रद्धा और विश्वास था कि भले ही वो दुश्मन पक्ष में है, फिर भी वो दानेश्वरी है, वो मेरी तरस को जरूर छिपाएंगे और पानी पिलाएंगे। युद्ध मैदान के बाद में मीठे पानी का झरना भी बहता था, लेकिन वो अपने मित्र दुर्योधन को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने अभिमन्यु को पानी नहीं पिलाया और बाल योद्धा बिना पानी के तड़पते हुए मर गए। तो हे रुक्मिणी, कर्ण के द्वारा किए गए इस पाप की वजह से उसके जीवन में किए गए दान का पुण्य को नष्ट कर दिया, इतना ही काफी है। काल की गति के लिए और उसी झरने के कीचड़ में उसका रथ चक्र फंस गया और वही झरना कर्ण की मृत्यु का कारण बना। यही है वो कर्म का सिद्धांत। किसी पर किए गए हुए अन्याय की एक क्षण पूरे जीवन में किए हुए प्रामाणिकता का छेद उड़ा सकती है, इसलिए हर एक को उसी के किए हुए कर्म का फल यहाँ पर ही भुगतना पड़ता है। किसी की भावना और विश्वास को तोड़ना मत, ये बहुत बड़ा पाप है, खास करके ऐसी व्यक्ति को जिसने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया हो। अभी जो समय चल रहा है, इस समय भगवान मानव जाति को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। गम ना करो कि आज पिंजरे में जान है, शुक्र करो भगवान का कि पिंजरा खाली।